आज का वीडियो है जुड़वा प्रिंसेस के बारे में, जिसमें से एक रहती है महल में और दूसरी प्रिंसेस रहती है झोपड़ी में। भला ये कैसे हो सकता है, एक प्रिंसेस अमीर और एक प्रिंसेस गरीब? आइए जानते हैं ये हुआ कैसे। सेनापति जरा ठीक से हवा करो। प्रिंसेस परी कैसे हो? चाचा जी आप कब आए फॉरेन से? मैं आज ही आया हूँ। हाँ फॉरेन से तुम्हारे लिए कुछ तो खास लेने गया था मैं। मेरे लिए? हाँ आखिरकार तुम एक ही तो भांजी हो मेरी, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। चाचा जी आप कितने अच्छे हो, आप मेरी कितनी केयर करते हो और पूरा कारोबार आप ही संभालते हो। वैसे कारोबार से याद आया प्रिंसेस, इस साल है ना ठीक से बारिश नहीं हुई है और राज्य में फसल भी नहीं हुई है, उसकी वजह से हमारी प्रजा के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। अच्छा क्या करे? और आप कोई टेंशन मत लो, मेरी तिजोरी है ना उसमें से आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो। ठीक है मैं तिजोरी से पैसे ले लूंगा। हाँ। वैसे प्रिंसेस परी आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ। मैंने खास केक बनवाया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा चलो चलो मैं जाता हूँ अभी, तिजोरी से पैसे भी तो निकाल के प्रजा में बांट ले। आपको जितने चाहिए आप उतने ले लीजिए। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ तुम विश्राम करना, चलो मैं आता हूँ। हाँ चाचा जी। कितने अच्छे हैं मेरे चाचा जी, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। संकेश्वर जी। अरे मूर्ख हमें महाराज बोला करो, महाराज संकेश्वर महाराज। हाँ शाबाश। पर आप तो महाराज नहीं हो। जल्द ही बनने वाला हो, जल्दी मैं महाराज बनूंगा। पर आपने प्रिंसेस परी को झूठ क्यों बोला? अपने साम्राज्य में बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई और साम्राज्य के पास पैसे भी नहीं है। अरे मूर्ख ऐसे झूठ बोल बोल के ही मैंने प्रिंसेस परी से सारे पैसे हड़प लिए हैं। और एक दिन वैसे भी ये पूरे पैसे मेरे ही होने वाले हैं। वो कैसे? उसके माँ बाप यानी कि महाराज और महारानी ने मरते मरते एक वसीयत लिखी थी कि जब प्रिंसेस 12 साल की हो जाएगी तब पूरी संपत्ति उसके चाचा की यानी कि हमारी हो जाएगी। और जैसे ही पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी हम प्रिंसेस परी को कैद कर लेंगे। जी महाराज। हम बन जाएंगे महाराज। संकेश्वर महाराज। और वैसे भी उस प्रिंसेस परी की जुड़वा बहन को मैंने बचपन में ही तो मरवाया था तुम्हारे हाथों महाराज। और आज ही वो दिन है जब प्रिंसेस परी 12 साल की हो जाएगी और हम बन जाएंगे यहाँ के महाराज। जी महाराज। ये जो केक है वो मैंने लाया है प्रिंसेस के जन्मदिन के लिए। और ये देखो सेनापति, ये चीज मैंने फॉरेन से लाई है प्रिंसेस के लिए खास। ये लाया आपने फॉरेन से? हाँ इसके अंदर देखो क्या है। कागज। मन करता है इस कागज को ही तेरे को फेंक के मारूं। अरे कागज के अंदर चीनी है, ये खाओ खाओ, ये खा के तुम मर जाओगे। जहर भी खा लो। ये जहर है जहर, जो अब मैं इस केक के ऊपर डालूंगा। और ये केक, अब ये जहर वाला केक खाकर प्रिंसेस तो मर जाएगी। और फिर मैं बनूंगा इस साम्राज्य का महाराजा। और मैं सेनापति, वो देख लिया जाएगा। चलो अभी प्रिंसेस आती ही होगी, ये छुपा लेता हूँ, दे दो प्रिंसेस को। जान को खतरा है ये सुनकर प्रिंसेस परी भाग रही है,
पर ये भागकर जा कहाँ रही है? अरे मेरे पैर दुख रहे हैं, आउच। हाँ, मैं तो समझ रही थी कि चाचा जी बहुत अच्छे हैं, पर वो तो मेरा राजमहल, मेरे इतने सारे पैसे सब हड़पना चाहते हैं। मैं भागती हूँ। ये मैं कहाँ आई हूँ? मैं तो जंगल में आई हूँ, क्या करूँ मैं तो घर भी नहीं जा सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जंगल कितना बड़ा है, कितने सारे पेड़ हैं इस जंगल में। अरे वो तो आम का पेड़ है, उस पेड़ पर कितने सारे आम हैं, वाओ बहुत टेस्टी लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आम निकालती हूँ उस पेड़ से और खाते खाते जाती हूँ। पत्थर कहाँ पर है? हाँ मिल गया। अरे आम ही नहीं निकला। एक काम करती हूँ, दूसरा पत्थर लेती हूँ। ये वाला मिल गया। क्या करूँ मैं? अरे कौन चिल्ला रहा है? मुझे लगता है गलती से मैंने पत्थर किसी को मारा। अरे मेरी टोपी कहाँ चली गई? क्या करूँ मैं? कोई रो रहा है। एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ मैं किसे लगा होगा, पता नहीं। लगता है इन्हें लगी है चोट। तो यही है झोपड़ी में रहने वाली गरीब प्रिंसेस, जो बहुत ही बदमाश है। सुनो ना मेरी बात, ज्यादा लगा आपको, बहुत चोट आई है, मुझे ना माफ कर दो। मैंने गलती से आम थोड़ी सी, तो गलती से आपको चोट लगी, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। जंगल में आईना किसने रख दिया? तुम कौन हो? मैं? बुलबुल की मम्मी बुलबुल ने मुझे मारा। बुलबुल की मम्मी बुलबुल ने मेरा चॉकलेट चुरा लिया। बुलबुल की मम्मी, उसने हमारी कार तोड़ी, जरा संभाल के रखो उसको। सॉरी शर्मा जी, फिर से नहीं होगा इसे। ये बुलबुल, ये बुलबुल की बच्ची ना हमेशा परेशान करके रखती है। कहाँ गई हो? रुको, अब उसे छोड़ती नहीं हूँ। बुलबुल, बुलबुल जल्दी आओ ऊपर। इस बुलबुल की बच्ची को आने दो। बुलबुल, आज तो सबको परेशान करके बहुत मजा आया। परेशान किया? क्या हुआ? सबको परेशान करते हैं, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि तूने बहुत परेशान किया। क्या? शर्मा जी बोल रहे थे कि कांच भी तोड़ी तुमने। कांच? वो मैंने नहीं तोड़ी, वो उसने तोड़ी, उस लड़के ने तोड़ी होगी। मैंने तोड़ी? झूठ मत बोलो बुलबुल, तूने ही किया ऐसा। नहीं मम्मी, मैंने नहीं किया। बुलबुल तू ऐसे काम करती है जैसे कोई राजकुमारी हो, पर तुम राजकुमारी नहीं हो। मम्मी देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी प्रिंसेस बनूंगी और बहुत बड़े महल में जाऊंगी। तुम प्रिंसेस बनोगी, बहुत बड़े महल में जाओगी? सपना ही रहेगा ये सब। छोड़ो, तुम्हें ना चाचा को लाने के लिए जाना है, जाओ जल्दी से। चाचा को लाने के लिए? मम्मी अगर चाचा को लाना है तो मुझे जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो डरने की क्या बात है, तुम शेर से भी नहीं डरती। जाओ जाओ जल्दी से। जा रही हूँ अब। मैं हूँ बुलबुल, चलो तुम मेरे घर चली जाओ और मैं तुम्हारे घर चली जाती हूँ। हम ना एक काम करते, हम ना कपड़ों की अदला बदली करते, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। फाइनली बुलबुल महल में आ गई है अपने बहन का बदला लेने के लिए। पर ये सच्चाई चाचा और सेनापति को पता चल गई तो वो बुलबुल के साथ क्या करेंगे, और प्रिंसेस परी का क्या होगा? इसके लिए आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना ही होगा।